महक। अबे आंखें आए क्या तेरी? मेरी बात सुन। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं तुमसे सॉरी बोलने आया हूँ यार। अरे जो अपना सॉरी है ना, इसे अपने बगल में दबा के यहाँ से निकल ले। कल क्वालिफाइंग राउंड है ना, और तुझे पता है कि तू इस रिंग के अंदर मेरे साथ खेलने लायक नहीं है, और कल टूर्नामेंट में दूंगी मैं तेरी सारी हरकतों का जवाब। कर रहे हैं डरी जी, अब गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस फालतू छोरी के पीछे टाइम बर्बाद करना बंद कर। बहन जी अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचिए। मैं आज और अभी आपको 2.5 करोड़ रुपए देने को तैयार हूँ, बस आप अपनी छोरी का नाम कॉलेज की बॉक्सिंग टीम से हटवा लें और दिल्ली छोड़ के कहीं दूर चले जाओ। मैं नहीं। You know what? खाना बनाने में जो जादू है ना, वो बॉक्सिंग में नहीं। मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। वो भी चीटिंग करके बनाता होगा। मतलब तुम्हें यकीन नहीं है ना? तू बातें बहुत बनाता है, इस बात का मुझे तुझ पे पूरा यकीन है, लेकिन खाना तो बनाता है, इस बात का कोई यकीन है? लो अब तो लग गई शर्त, अब तो मैं दिखाता हूँ अपने हाथों का कमाल। अब तुम तीनों की बाकी की जिंदगी नरक में कटेगी। तुम ये बात जुगराज सर को पता चली, अरे मरेगा तू। तो इसके पीछे जुगराज सर का बेटा है? हाँ। दोस्ती की आड़ में ये बहुत गलत किया तूने शौर्य। ये खाना बनाने की प्रतियोगिता है, बेस्ट बावर्ची। अरे कल सारे बॉक्सिंग मैचेस लाइंड अप है, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर की ट्रॉफी के लिए। मैं नहीं जा सकता। क्वालिफायर राउंड में मैं बीमार होने की एक्टिंग कर लूंगी। अगर तू किसी को यहाँ मिलेगा ही नहीं और मैं बीमार हूँ, तो कमेटी को मैच की तारीख आगे बढ़ानी पड़ेगी। शौर्य सिंह अहलावत बिना ऑफिशियल परमिशन के गायब है, इसलिए उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो एक बार वो कंपटीशन जीत जाएगा ना, तो कोई कुछ नहीं बोलेगा तुझे। लेकिन ये कॉन्टेस्ट तो कल है ना? तो क्या हुआ, तुझे कौन सी तैयारी की जरूरत है? अरे कल सारे बॉक्सिंग मैचेस लाइंड अप है, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर की ट्रॉफी के लिए। नहीं मैं नहीं जा सकता, स्पेशली आगरा, वो भी इस चीज के लिए। नहीं, डैडी जी को पता चल गया ना तो उल्टा लटका देंगे। आई हैव टू बी देयर यार, नहीं मैं नहीं जा सकता। देख, हम दोनों में से फर्स्ट और सेकंड आते हैं हम दोनों ही। अगर कल हम दोनों ही नहीं आए, तो कमेटी को मैच की तारीख आगे बढ़ानी पड़ेगी। मतलब ये कि क्वालिफायर राउंड में मैं बीमार होने की एक्टिंग कर लूंगी। सही है ना? अगर तू किसी को यहाँ मिलेगा ही नहीं और मैं बीमार हूँ, तो फिर तो मैच आगे बढ़ेगा ही। तुझे नहीं लगता ये तरीका काम करेगा? I don't know. जुगराज जी, कितना वेट करें आपके बेटे का? 10 मिनट में अगर नहीं आया तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सॉरी, रूल्स इज रूल। आप ही तो कहते हैं हमेशा
तो आप खुद भी रूल फॉलो कीजिए। आप उसका मैच लंच के बाद वाले स्लॉट में शिफ्ट कर दीजिए, अब तक आ जाएगा वो। मजाक चल रहा है क्या सर, 3 घंटे से वेट हो रहा है जनाब का, बाकी तो कोई मिसिंग नहीं है। आई एम सॉरी, श्योर इज डिस्क्वालीफाइड, अब हम उसके बिना ही कंटिन्यू करेंगे। अरे सर, मेरी छोटी बहन आ गई, चलिए मैं आपको उससे मिला देती हूँ। सर, मेरा फोन तो ऑटो में ही रह गया, मैं लेकर आती हूँ। ये कहाँ चली गई? वो तो छोटी कहाँ रह गई? वो फोन लेने गई है, ऑटो में रह गया। खुराना सर, ये मेरी बहन की ट्रेनर है। नमस्कार, नाइस टू मीट यू। अच्छा मैं निकलता हूँ, कल ऑफिस में मिलते हैं। अच्छा अभी शौर्य मुझे बता रहा था कि उसने बॉक्सिंग कंपटीशन से विड्रॉ करने का फैसला लिया है, अब वो महक को ट्रेनिंग में भी हेल्प करना चाहता है। लेकिन कोच सर, शौर्य का इस तरह मुकाबले से बाहर हो जाना अजीब है ना? लेकिन सबसे बड़ी बात, अब मेरी जगह लेगा, लेकिन महक का कॉलेज में नंबर 1 होना जरूरी है। फोन मिला थारा, महक क्या कर रही है? पूरा का पूरा घर जला दो। लेकिन अंदर तो लोग हैं, उनको डरा के निकाल देता हूं। पूरा घर जलाओ, राख कर दे सारे घर, उस छोरी के साथ साथ उसका घर भी जलना चाहिए, एक्सीडेंट लगे। चलो क्या महक के घर आपने गुंडे भेजे थे अटैक कराने के लिए? लड़ी जी जवाब दीजिए। आपके आगे ऊंची आवाज में बात करने की औकात कैसे दे रही? अब जो अटैक आप महक पर करेंगे ना, वो आप मुझ पे करेंगे। अब इसकी जर्नी में मैं इसके साथ हूँ, मैं इसकी ढाल हूँ। हर खतरा जो आप इस पे भेजेंगे ना, वो पहले मुझसे टकराएगा। अब मुकाबला आपकी नफरत और हमारी दोस्ती का है। देखो जी, मेरा तजुर्बा ये कहता है कि लड़की के पैर भारी हैं, मां बनने वाली है ये। Yes, she's pregnant. एक मिनट सर, क्या ये बात आपने अपने कानों से सुनी? क्या ये पक्की खबर है? Yes, सृष्टि जी, ये खबर मैंने अपने कानों से सुनी है। मॉम की जो चाची जी हैं, वो कह रही थी कि शर्लिन मां बनने वाली है। मम्मा सोने के लिए बोल के रूम से चली गई और तुमने फिर से फोन उठा लिया। अरे अब तो सेफ है, चाहे पूरी रात बात करूं। अब तो मैं तुम्हारी मम्मा से जरूर मिलना चाहता हूं। आपकी विश जरूर पूरी होगी बेटा। तो मेरी विश पूरी कर दो। वैसे पूरी हो गई समझो, कल मेरी मम्मा आपसे मिलने आ रही है। रियली? यस, प्रॉमिस किया उन्होंने और वो प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ती। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप सुबह सुबह भाई के बारे में कुछ खबर मिली? जोनी के बारे में इंफॉर्मेशन देने आया। चलो अच्छा है, सुबह सुबह अच्छी खबर मिली। खबर अच्छी नहीं, लेकिन मिस्टर अर्जुन से नाप नहीं रहे, उनकी मौत हो गई। और कितना रिलाओगे मेरे माँ को? आप सब ऐसे सीधे सीधे मानने वालों में से है नहीं। दानिश, अनुज की बॉडी को फिर से मोड़ ले जाओ। अब जब तक मेरे भाई को अग्नि नसीब नहीं होती, आपके घर के बेटे को भी अग्नि नहीं मिलेगी।